जायका दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिल्ली पटेटो। ये बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। और चलिए हम बनाते हैं। तो मैंने ये जो आलू लिए हैं, मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने छील कर काट कर इस तरह से पीसेस में काट लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है इनको। यहाँ मैंने एक प्याज ली थी, इस तरह से रफली चॉप कर लिया है इसको। ये देखिए मैंने रफली रफली इस तरह से काट लिया है। यहाँ मैंने एक शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। यहाँ मैंने लिया है सोया सॉस। सोया सॉस मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। यहाँ मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं, उस तरह से बीच में से काट लिया है इनको, बीच में से कट लगा लिया है इन सब में से। यहाँ मैंने लिया है रेड चिली सॉस 3 टेबल स्पून। यहाँ लिया है मैंने 3 टेबल स्पून टमेटो सॉस और यहाँ लिया है मैंने 3 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस। यहाँ मैंने नमक लिया है, नमक स्वाद अनुसार लें। मैंने अरारोट पाउडर लिया है, अरारोट पाउडर मैंने 2 जगह पे लिया है, 2 कप अरारोट पाउडर लिया है, 1 कप अलग लिया है, 1 कप अलग लिया है। और मैंने यहाँ 3 पीस लहसुन के लिए थे कलियाँ, उन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। और यहाँ मैंने 2 इंच के अदरक के टुकड़े को काट लिया है इस तरह से। चलिए अब हम इसमें अपने आलू जो हमने लिए वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपने आलूओं पे कोटिंग, ड्राई कोटिंग करेंगे इस पर। ये हमने अपने आलू डाल लिए एक बड़े से बर्तन में। अब हम इसमें डालेंगे अरारोट पाउडर, 1 कप अरारोट पाउडर डाल लेंगे। ये एक बाउल भर कर लिया है, ये लगभग नाप से 1 कप ही है। तो ये हमने डाल लिया इसमें, इसको अच्छे से बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे कि आलूओं पर अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाए। तो उसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से कोटिंग कर देंगे कि हमारा आलू कहीं से भी वैसा ना रहे खाली खाली, बिल्कुल सही से इस पर लग जाना चाहिए। तो हमने अरारोट पाउडर इस पर लगा दिया अच्छे तरीके से। अभी देखिए बिल्कुल अच्छे से लग गया है इसमें। अब हमने एक भगोना लिया है, अब इस भगोने में हम डालेंगे अरारोट पाउडर। यह मैंने 1 कप अरारोट पाउडर ऐड कर दिया। इसमें डालेंगे पानी, पानी हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट लगेगी उसके हिसाब से हम डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत लगेगी। तो देखिए हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, पतला सा पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे। ये देखिए और डालेंगे थोड़ा इसमें पानी। तो ये देखिए इसे चम्मच की मदद से मिला लेंगे इसे अच्छे तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लें कहीं भी इसमें बबल्स ना रहें। तो जो हमने ये पेस्ट बनाया था अरारोट का अलग से, वो इसी में आलू में अपने ऐड कर देंगे, इसे मिला देंगे। ड्राई कोटिंग हमने अंदर से की थी और ऊपर से हमने गीले उसकी कोटिंग कर दी, इसको भी मिला लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। डबल कोटिंग से ये होता है कि हमारा जो आलू है इस पर अरारोट बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ड्राई कोटिंग जो हमने अंदर की थी वो ज़रूर करें, इससे हमारे जो आलू हम जब फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए हमने डाल दिया इसमें आलूओं में अरारोट, अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसको। अब हम अपना एक हमने फ्राई पैन ले लिया है, तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे अपने आलूओं को। देखिए हमने आलू डाल दिए इसमें, इसको अच्छी तरीके से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। सारे आलूओं को हमने देखो फ्राई कर लिया है, देखिए बहुत ही क्रिस्पी फ्राई करना है इनको, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है या बहुत ज़्यादा
डार्क भी नहीं करना, इनको 10 मिनट लगे हैं पूरे इसको फ्राई करने में। सो ये फ्राई हो गए हैं। सो ये दोबारा से हमने तेल गरम किल कर लिया, जो हमारे बचे हुए थे वो भी हमने सारे मिला के हमने इसमें आलू अपने फ्राई कर लिए हैं। इसी प्रोसेस को हमने दोबारा से कर लिया। हमने दोबारा से अपने आलू दोबारा से फ्राई इसलिए करे हैं कि अगर थोड़े बहुत इसमें जो मॉइस्चर रह गया होगा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो इसके जो हम आलू को फ्राई करेंगे दो बार करेंगे। तो हमने देखिए दोबारा से इसको फ्राई कर लिया है तेल में, अभी और ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। अब यह हमने थोड़ा सा तेल लिया है फ्राई पैन में, इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें हमने डाली लहसुन की कलियाँ जो हमने काट के रखी थी वो डाल दी हैं इसमें। अब इसमें हमने डाल दी प्याज जो हमने काटी थी। इनको चलाते रहेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए चला चला के हम इसको लाइट ब्राउन करने तक पका लेंगे। ये हमने शिमला मिर्च भी डाल दी इसमें और हमने अदरक भी यहीं साथ में डाल देनी है। जो अदरक हमने काट के रखी थी वो भी यहाँ साथ में डाल देंगे। तो मैंने लहसुन के साथ में डाल दी है, हरी मिर्ची डाल दी। इसको भी चला लेंगे अच्छी तरीके से, पका लेंगे इन सब चीज़ों को। यहाँ हम थोड़ा नमक ऐड कर दिया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसको चला लेंगे हल्का सा, इन सब चीज़ों को थोड़ा पका लेंगे। कच्चापन इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और ना ही हमारी सब्ज़ी जली होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ हम ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ ऐड करेंगे इसमें रेड चिली सॉस। अब और यहाँ पे कर देंगे ग्रीन चिली सॉस ऐड। टमाटो सॉस ऐड कर देंगे इसमें। सारे सॉस हमने इसमें ऐड कर दिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो हमने थोड़ा सा अरारोट पाउडर लिया है यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर कर लिया है हमने, थोड़ा सा पानी इसमें मिला लिया है, हल्का सा पेस्ट बना लिया है इसका, ज़्यादा पतला भी ना हो ज़्यादा गाढ़ा भी ना, इस टाइप का बना लिया है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, चला देंगे इसको चम्मच की मदद से, अच्छे से सारा सामान इसमें मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ लगभग पक चुकी हैं, हमारा शिमला मिर्च भी इसमें गल गई है, प्याज भी पक गई है, सब चीज़ें पक गई हैं इसमें। अब यहाँ थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया है, हल्का सा बिल्कुल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। मैंने यहाँ आधा कप करीब पानी ऐड करा है। चला देंगे इसे अच्छे तरीके से। अब इसमें ऐड करेंगे अपने आलू, जो आलू हमने फ्राई करे थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। सारे आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए और इन सभी आलूओं को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे चीज़ जो भी पड़ी थी सब्ज़ी हमारी जो भी है सबको इनमें आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सबका फ्लेवर आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए इसमें। सो देखिए मैंने सारे चीज़ें इसमें मिक्स कर दी अच्छे तरीके से। ये देखिए चिल्ली पटेटो बिल्कुल हमारे रेडी हैं। अब इसको हम
डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें आप, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।